बाद बच्चों आप लोगों ने सीखा है अभी अक्षरमाला और बारह खड़ी और गिनती। ठीक है, अभी हम सीखेंगे आज कुछ नया वाला। देखिए यहाँ पे मैंने लिखकर दिखाया है, आओ वाक्य बनाएं, पेज नंबर 12। पेज नंबर आप 12 ओपन कीजिए अपना और यहाँ पे देखिए आओ वाक्य बनाएं। तो पहला वाला क्या है यहाँ पे, जैसे मैं पढ़कर बताऊंगी आपको उसी तरीके से आपने टेक्स्ट बुक में आपको भी देखना है और उसी तरीके से भी यहाँ पूरा लिखना है। ठीक है, अभी चलो मैं यहाँ पे आपको पढ़कर दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको भी फॉलो लेना है। शब्द जब मिलकर अर्थ प्रकट करते हैं तब वाक्य बनते हैं। क्या है, जब शब्द मिलकर अर्थ, यानी कि समझिए एप्पल या सेब, सेब अभी एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है, एप्पल है। उसी तरीके से एक शब्द प्रकट करके, क्रिएट करके एक उसका अर्थ बनता है, उसी तरीके से उसका भी एक वाक्य बनता है। जैसे कि मैंने आज मैंने सेब खाया, उसी की तरह क्या है, तब एक वाक्य बन गया। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपको जानने के लिए, आपके किताब में है, आपके किताब में आपने देखी है। देखिए, नमन घर तक चल, नमन घर तक चल। नमन एक लड़का है और वहाँ उसकी माँ या कोई और तो उसे घर तक चलने के लिए कह रहे हैं। दूसरा वाला जो है, गगन बस पर चढ़। गगन एक लड़का है और उसका फ्रेंड है और उसको क्या कह रहा है कि बस पर, यानी कि बस पर चढ़, यानी कि बस के अंदर चढ़ने के लिए उसको कह रहा है। तीसरा वाला जो है, मदन बरगद पर चढ़। मदन भी एक लड़का है और बरगद पर चढ़ने के लिए उसका दोस्त या कोई भाई कह रहा है। बरगद मीन्स क्या है, पेरू, बरगद का पेड़ रहता है। ठीक है, अमर छत पर चढ़, अमर छत पर चढ़। अमर भी लड़का है और उसको किसके ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा है, रूफ, रूफ के ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये हो गया, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे, जैसे पढ़े और समझे, रीड एंड लर्न। ठीक है, राम घर आ सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। ठीक है, इसके बाद इधर उधर मत देख, नडर तक चल, झटपट शरबत चख, नटखट मत बन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ क्या है, यहाँ पे राम घर चल, राम को कहाँ पे चलने के लिए बोल रहे हैं, राम को घर चलने के लिए बोल रहे हैं, राम को घर चलने के लिए कह रहे हैं। वहाँ राम कहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा है, सड़क के बीचों बीच में चलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको सड़क पर मत चल, डोंट वॉक ऑन द रोड करके बोल रहे हैं। ओके, इधर उधर मत देख, डोंट सी सॉ हियर एंड देयर, जस्ट वॉक इन फ्रंट। ओके, नडर तक चल, नडर यानी क्या है, इट्स यू कैन से गार्डन और उपवन, यू कैन से। ओके, नडर तक चल, झटपट शरबत पी, फटाफट से शरबत पी। नटखट मत बन, नॉटी, डोंट बिहेव लाइक नॉटी। ओके, दीज आर द रीड एंड लर्न थिंग्स। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट पेज, व्हाट इज दैट, चित्रों की सहायता से वाक्य बनाइए। चित्रों की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। अभी मैं यहाँ पे चित्र बनाऊंगी और आपको क्या करना है, वो सॉल्व करके रखना है अगले क्लास में। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र बनाकर दिखाऊंगी, उसके आगे आपको एक नया वाला बनाना है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी चित्र बनाती हूँ। ठीक है,
आपको क्या करना है अभी, सेंटेंस फ्रेम करना है, यानी कि आपको वाक्य बनाना है। देखिए, मैंने आम खाया, ठीक है, मैंने आम खाया, आई ईट मैंगो, ओके। यहाँ पे जहाज है, मेरे मित्र जहाज यात्रा पर गए थे, मेरे मित्र जहाज यात्रा पे गए थे। किताब, किताब अलमारी में रखा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड मेक द सेंटेंस। आई गिव यू लाइक दैट ओनली पिक्चर्स, आई गिव यू अदर डिफरेंट पिक्चर्स, यू हैव टू मेक और मेड, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, ओके। नाउ आई ड्रॉ द पिक्चर्स। ओके, दीज आर द फोर पिक्चर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेंटेंस फ्रेम करनी है, यानी कि आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। अभी ये हो गया वाक्य बनाना। अभी आगे सीखेंगे हम लोग क्या है, चित्र देखकर शब्द, यानी कि शब्द चित्र को देखकर जगह को भरना है, ठीक है। इसके बाद सड़क पर मत चल, यहाँ देखिए सा, यहाँ पे सांप का चित्र है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सांप, सांप मत पकड़। झटपट पानी या शरबत भर, गगन अमरुद पर चढ़, अमरुद यानी कि पेड़, अमरुद का पेड़, गगन घर चल, गगन घर चल, ठीक है। इसके बाद आम का चित्र है, आराम आम चक। इसके बाद है सड़क, यहाँ पे सड़क है और यहाँ पे डैश है, पर मत चल, सड़क पर मत चल। ये हो गया चित्र पहचान कर अक्षर लिखना। अभी अगले क्लास में हम सीखेंगे और कुछ नया, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये ऐसा वाला, एक नया वाला बना के आपको खुद एक नया ऐसा बुक में नया चित्र बनाकर उसका सेंटेंस आपको छोटे छोटे इसमें फ्रेम करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।